नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिविल सक्सेस चैनल पर। मैं आपके लिए यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें करीब करीब 7 लेक्चर्स रहेंगे और ये सारे के सारे हिंदी में रहेंगे। आई होप कि ये सारे लेक्चर्स सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपका फीडबैक सही रहा तो मैं और सब्जेक्ट्स के वीडियो भी जल्दी ही यहाँ पर लेकर आऊँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला लेक्चर। पहले हम देख लेते हैं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिविल सर्विसेज में कहाँ पर आता है, मतलब सिलेबस में कहाँ पर है। तो ये जीएस पेपर 3 में है। इंडेक्सिंग देख लेते हैं कि जो बाकी लेक्चर्स हैं 7 लेक्चर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला रहेगा प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, आपदाओं के प्रकार, आपदा प्रबंधन चक्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, ह्योगो फ्रेमवर्क 2015 तक, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक, आपदा प्रबंधन में हितधारकों की भूमिका। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल हजार्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकृति में मान लीजिए कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई परिवर्तन आ रहा है, वो प्रकृति का रूल है। अगर ये परिवर्तन हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है, जैसे कि वृक्षों की वृद्धि, फलों का पकना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब परिवर्तन हमारे लिए लाभकारी नहीं होता, जैसे कि भूकंप का आना, सुनामी, बाढ़ वगैरह, तो ये सारे के सारे नेचुरल हजार्ड्स में शामिल किए जाएंगे। अब देखते हैं जोखिमों का वर्गीकरण। दो तरीके के होते हैं, मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित में हम देखेंगे तकनीकी जोखिम और सामाजिक जोखिम। तकनीकी जोखिम एक तरह से कह सकते हैं कि साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है तो जो तकनीकी जोखिम है मानव के लिए वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रोबोट हैं, वो एक तरह से इंसान बना रहा है, वो एक तरह से फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं, शांतिपूर्ण काम किए जा सकते हैं, और वो एक विनाशकारी प्रक्रिया भी हो सकती है। तो इस तरह से तकनीकी जोखिम मानव जनित हैं। फिर देखते हैं सामाजिक जोखिम। एक तरह से सामाजिक जोखिम में हम कह सकते हैं कि समाज में जो भी चीज़ें जो संवेदनशील में आती हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे कि कोई गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, या फिर कोई खास प्रजाति है जो कि अभी विलुप्त प्राय होने के कगार पर है, तो वो सारी चीज़ें जोखिमों में आती हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक जोखिम। प्राकृतिक जोखिम में चार तरह के होते हैं, पर्यावरणीय, भौमिक, जलीय और जैविक। प्राकृतिक जोखिमों को अच्छे से समझते हैं। पर्यावरणीय मतलब एक तरह से जो पर्यावरण की वजह से जोखिम होंगे, जैसे कि बर्फीले तूफान, आंधी, बिजली, बवंडर, ओलावृष्टि, सूखा, लू, पाला, ये सारी चीज़ें पर्यावरणीय जोखिमों में आ जाएंगी। भौमिक जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो भूमि पर होंगे, मतलब धरातल पर होंगे, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूमि का धसाव, मृदा अपरदन। अब देखते हैं जलीय। जलीय में ऐसे जोखिम आते हैं जो जल की वजह से होंगे, बाढ़, ज्वारीय लहरें, समुद्री लहरें, तूफानी लहरें, सुनामी। जैविक में ऐसे जोखिम आएंगे जो जीवों के द्वारा मानव जाति को संकट में डाल सकते हैं, जैसे कि कई तरह के रोग होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, मलेरिया, डेंगू, ये सारी
ऐसे जोखिम है जो कि जीवों द्वारा फैलाई जाते हैं। अब देखते हैं हजार्ड और डिजास्टर में अंतर क्या होता है। हजार्ड तब तक हजार्ड है जब तक कि मानव जाति को वो किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या फिर बहुत ही कम नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हजार्ड की श्रेणी में। और जब ये एक हजार्ड बहुत ही विस्तृत क्षेत्र ले लेता है और मानव जाति का बहुत ही कह सकते हैं कि जिसमें मानव जाति की मृत्यु मतलब जान की हानि और माल माल की हानि भी हो सकती है, रोजगार के साधनों को छीनता है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में, तो वो डिजास्टर कहलाएगा, आपदा कहलाएगा। डिजास्टर आप देख रहे होंगे कि साल दर साल इनकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती ही जा रही हैं। उसका कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रकृति का हम विनाश करते जा रहे हैं, प्रकृति के साथ चलने की जगह हम उसका विनाश कर रहे हैं और अपने जितने भी स्वार्थ हैं उनको सिद्ध कर रहे हैं। विज्ञान भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, उससे भी डिजास्टर में वृद्धि हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक विकसित देश में या विकासशील देश में किसी एक में आ रहा है, ये डिजास्टर सब जगह आ रहे हैं। तो इनके लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि हमें पूरे विश्व को मिलकर काम करना चाहिए और इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं। हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमारे सामने ही दिख जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं। पहले जहाँ रेनफॉल 50 mm के समथिंग हुआ करती थी, आजकल बहुत ज्यादा हो रही है वहाँ, और जहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी वहाँ बहुत कम देखने को मिल रही है। जैसे कि पिछले वर्षों में हम देखेंगे कि बाड़मेर के इलाके में बाढ़ का सामना करना पड़ा था लोगों को, वहाँ रेनफॉल बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ भी रेनफॉल बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो ये एक अनियमितता है जो कि रेनफॉल पैटर्न में आ रही है। यूएन की माने तो प्रतिवर्ष करीब करीब 1 लाख लोग डिजास्टर की चपेट में आ जाते हैं और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से इस जान और माल का हम बचाव कर सकते हैं। हम डिजास्टर को आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन डिजास्टर की जो रिस्क हैं उनको कम कर सकते हैं। हम अगर पहले से भूकंप आ रहा है और हम पहले से अगर सूचित कर देते हैं तो वो जगह खाली हो जाएगी और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए जाएंगे, तो उससे जान और माल की हानि कम हो सकती है। अब देखते हैं डिजास्टर को जो बढ़ावा देने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कारक है गरीबी। गरीबी इंसान को ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर कर रही है आजकल जो कि डिजास्टर प्रोन है। जैसे कि जो अच्छी जगह हैं, अच्छी लोकेशंस हैं, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है, तो जो गरीब लोग हैं वो सक्षम नहीं होते हैं कि उन कीमतों को अदा कर पाए, तो वो ऐसी जगह रहने को मजबूर हो जाते हैं जो डिजास्टर प्रोन रहती हैं। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है। अब एरिया बढ़ रहा है तो लोग है ना किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने की सोचते हैं। बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो घुटन भी होती है, पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा, गंदगी ज्यादा रहेगी, सब कुछ ज्यादा रहेगा, मतलब एक तरह से जो हानिकारक चीजें हैं वो ज्यादा फैलेंगी। तो हम देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो लोगों को दूर दूर रहने को मजबूर कर रही है, किसी सूने से इलाके में, अलग से इलाके में, और ऐसे इलाके जो डिजास्टर प्रोन है उनमें जाके जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोग रह रहे हैं। शहरीकरण। शहरीकरण, पहले शहर इतने बड़े नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे शहर हुआ करते थे। आजकल जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है, शहर शहर भी बढ़ रहे हैं। अब शहरों के साइड में या शहरों के आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एक एरिया में, मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई नदी नाले, लोग बाग शहरीकरण के कारण वहां भी रह रहे हैं क्योंकि शहरों का विस्तार हो रहा है और एक्सटेंशंस शहरों के हो रहे हैं, तो इस वजह से वो डिजास्टर प्रोन की श्रेणी में पहुंच रहे हैं।
अब देखते हैं कि पर्यावरण में जो गुणवत्ता है उसमें भी गिरावट आ रही है। जैसे कि हम देखेंगे कि वनों की कटाई हो रही है। अब वनों की कटाई से जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, उसकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। मान लीजिए बारिश होती है और एक पेड़ है, उसके नीचे की जमीन है ना, वो अपरदित नहीं होगी, और जैसे ही उस वृक्ष को काट देंगे और बारिश होगी तो वहां अपरदन स्टार्ट हो जाएगा, और वो अपरदन बहकर नदी नालों में चला जाएगा, वो मृदा नदी नालों में बहकर चली जाएगी, जिससे नदी में एक तरह से भार बढ़ जाएगा और वो अपने जो बहने का पैटर्न है उसमें चेंजेस करेगी बार बार। एक जागरूकता की कमी भी लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण करने से रोकता है। कह सकते हैं कि जैसे लोग जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह से कौन सी जगह है जो सेफ है हमारे लिए, कौन सी बिल्डिंग्स, कैसे हमको बिल्डिंग बनानी है, कैसा मटेरियल लगाना है, कितना लगाना है जिससे वो सेफ रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिजास्टर को बढ़ावा देती हैं। अब देखेंगे वल्नरेबिलिटीज, अतिसंवेदनशीलता। अतिसंवेदनशील को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कोई भी ऐसी चीज, जैसे कोई स्ट्रक्चर, जैसे कोई समुदाय, या फिर ऐसी कोई भी भौगोलिक क्षेत्र को ले लीजिए जो कि डिजास्टर आने के लिए बहुत ही संवेदनशील हो, यहाँ आए दिन डिजास्टर्स, हजार्ड्स आते रहते हों, तो वो एरिया डिजास्टर प्रोन होंगे। कुछ जो संवेदनशीलता में कुछ अन्य चीजें भी आती हैं, जैसे कि बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग लोग हैं, वो सारे भी संवेदनशील में आते हैं। और कभी भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले इन लोगों को, ये संवेदनशील लोग हैं, इनको निकालने की जरूरत होती है, न कि ऐसे लोगों को जो सक्षम है। और अगर हजार्ड्स है, किसी जगह हजार्ड है, और अगर वो संवेदनशीलता, मतलब संवेदी इलाकों से, संवेदी लोगों से किसी जगह मिलता है, तो वो डिजास्टर बनता है। अब देखते हैं भारत के बारे में। भारत में पर्यावरण की विविधता तो आपको देखने को मिलती है, साथ में सांस्कृतिक अनेकताएं हैं, मतलब बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। पर्यावरणीय जो भौगोलिक क्षेत्रों में पर्यावरण की जो विविधताएं हैं और भूमि की विविधताएं हैं, उसके कारण बहुत सारी आपदाएं भारत में आती रहती हैं, और ये कई वर्षों से आपदाओं की मार झेल रहा है। डिजास्टर प्रोन कंट्री भी इसको कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज में चाइना के बाद इसका दूसरा नंबर है। अब देखते हैं कि भारत डिजास्टर के लिए कितना प्रवण है, मतलब यहाँ कितने कितने, किस किस रीजन में कौन कौन से डिजास्टर्स आते हैं। अब आप सोचिए कि 85% क्षेत्र आपदाओं के लिए प्रवण है, मतलब भारत में 85% क्षेत्र किसी न किसी आपदा से हमेशा ग्रसित रहता है। 12% बाढ़ की चपेट में रहता है, 8% चक्रवातों के लिए प्रवण है, 57% जो हाई सीस्मिक जोन्स हैं उसमें आता है, 68% सूखा ग्रसित क्षेत्र है, मतलब आजादी के इतने साल बाद भी 68% क्षेत्र सूखा ग्रसित है, 35 स्टेट में से और यूनियन टेरिटरीज में से 27 में किसी न किसी आपदा को आपको देखने को, कहने का मतलब है किसी न किसी आपदा, कोई न कोई आपदा आपको देखने को मिलेगी। अगले लेक्चर्स में जो मैंने इंडेक्स में से आपको बताया था वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।